खबर ऑस्ट्रेलिया तो सामने आ रही है। ऑस्ट्रेलिया दे विच 21 फरवरी तो सारे बार्डर खोल दिए जाएंगे, जिस नूं लै के सैलानी अते कारोबारी हुण ऑस्ट्रेलिया जा सकणगे, पर इस दे वास्ते उन्हां नूं जिहड़ी कि वैक्सीन की डोज लगी होनी लाजमी है। देखो यह खास रिपोर्ट। सुधार दिए कि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि भारत ऑस्ट्रेलिया दियां सरहदां नूं खोलण दी बहुत शलाघा करदा, जिस दे नाल वापस जाण दी उड़ीक कर रहे विशेष तौर पर विद्यार्थी अस्थाई वीजा धारकां ते अलग रह रहे परिवारां नूं मदद मिलेगी। ऑस्ट्रेलिया 21 फरवरी तो वैक्सीन की खुराक लै चुके सारे सैलानियों अते कारोबारियों दे लई अपनियां सरहदां खोल देवेगा। इस तों पहलां ऑस्ट्रेलिया ने 7 फरवरी नूं महामारी पाबंदियों नूं सौखा करन दा ऐलान कीता सी। ऑस्ट्रेलिया ने मार्च 2020 दे विच अपने नागरिकां ते स्थानक निवासियां ते दुनिया दियां सब तों सख्त यात्रा पाबंदियां लगाईआं सन। जयशंकर ने ऑस्ट्रेलिया विदेश मंत्री मॉरिस पाइने नाल सांझी प्रैस कॉन्फ्रेंस दे विच कहा कि मैं ऑस्ट्रेलियाई सरकार वल्लों सरहदां खोलण दा स्वागत करदा, जिस नाल भारत विच उड़ीक कर रहे लोग, खास तौर पर विद्यार्थी अस्थाई वीजा धारकां अलग रह रहे परिवारों नूं मदद मिलेगी। इस फैसले की काफ़ी शलाघा की जा रही है। उन्होंने कहा कि कुछ विद्यार्थी प्रतिनिधियों नाल मिलने का मौका मिलिया, वह इस फैसले बारे जान के बहुत उत्साहित हुए ने। ऑस्ट्रेलिया ने अक्तूबर के अंतरराष्ट्रीय यात्रा मुड़ शुरू करने ते सरहदी पाबंदियों सौखा करने का ऐलान किया। उसने देश विच यात्रा लई भारत विच बनी कोविशील्ड वैक्सीन मंजूरी दे दी है। जयशंकर ने ऑस्ट्रेलिया के इमीग्रेशन मंत्री एलेक्स हॉक नाल भी मुलाकात की, प्रतिभा गतिशीलता ते विश्वीकरण वर्गे मुद्दों ते चर्चा की है। ऑस्ट्रेलिया च चीन तो बाद भारत के सब तो वध विद्यार्थी ने। ब्यूरो रिपोर्ट, D5 चैनल पंजाबी। D5 चैनल पंजाबी हुणे सबसक्राइब करो, बैल आइकन ते क्लिक करो। की हुंदी है जमाबंदी, ਕਿਵੇਂ ਬਣਦੀ ਹੈ ਵਸੀਅਤ, ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਹਰ ਮਸਲੇ ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ ਚਰਚਾ। ਦੇਖਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ ਸਾਡਾ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ .com ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ। खबर ऑस्ट्रेलिया तो सामने आ रही है। ऑस्ट्रेलिया दे विच 21 फरवरी तो सारे बार्डर खोल दिए जाएंगे, जिस नूं लै के सैलानी अते कारोबारी हुण ऑस्ट्रेलिया जा सकणगे, पर इस दे वास्ते उन्हां नूं जिहड़ी कि वैक्सीन की डोज लगी होनी लाजमी है। देखो यह खास रिपोर्ट। सुधार दिए कि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि भारत ऑस्ट्रेलिया दियां सरहदां नूं खोलण दी बहुत शलाघा करदा, जिस दे नाल वापस जाण दी उड़ीक कर रहे विशेष तौर पर विद्यार्थी अस्थाई वीजा धारकां ते अलग रह रहे परिवारां नूं मदद मिलेगी। ऑस्ट्रेलिया 21 फरवरी तो वैक्सीन की खुराक लै चुके सारे सैलानियों अते कारोबारियों दे लई अपनियां सरहदां खोल देवेगा। इस तों पहलां ऑस्ट्रेलिया ने 7 फरवरी नूं महामारी पाबंदियों नूं सौखा करन दा ऐलान कीता सी। ऑस्ट्रेलिया ने मार्च 2020 दे विच अपने नागरिकां ते स्थानक निवासियां ते दुनिया दियां सब तों सख्त यात्रा पाबंदियां लगाईआं सन। जयशंकर ने ऑस्ट्रेलिया विदेश मंत्री मॉरिस पाइने नाल सांझी प्रैस कॉन्फ्रेंस दे विच कहा कि मैं ऑस्ट्रेलियाई सरकार वल्लों सरहदां खोलण दा स्वागत करदा, जिस नाल भारत विच उड़ीक कर रहे लोग, खास तौर पर विद्यार्थी अस्थाई वीजा धारकां अलग रह रहे परिवारों नूं मदद मिलेगी। इस फैसले की काफ़ी शलाघा की जा रही है। उन्होंने कहा कि कुछ विद्यार्थी प्रतिनिधियों नाल मिलने का मौका मिलिया, वह इस फैसले बारे जान के बहुत उत्साहित हुए ने। ऑस्ट्रेलिया ने अक्तूबर के अंतरराष्ट्रीय यात्रा मुड़ शुरू करने ते सरहदी पाबंदियों सौखा करने का ऐलान किया। उसने देश विच यात्रा लई भारत विच बनी कोविशील्ड वैक्सीन मंजूरी दे दी है। जयशंकर ने ऑस्ट्रेलिया के इमीग्रेशन मंत्री एलेक्स हॉक नाल भी मुलाकात की, प्रतिभा गतिशीलता ते विश्वीकरण वर्गे मुद्दों ते चर्चा की है। ऑस्ट्रेलिया च चीन तो बाद भारत के सब तो वध विद्यार्थी ने। ब्यूरो रिपोर्ट, D5 चैनल पंजाबी। D5 चैनल पंजाबी हुणे सबसक्राइब करो, बैल आइकन ते क्लिक करो। की हुंदी है जमाबंदी, ਕਿਵੇਂ ਬਣਦੀ ਹੈ ਵਸੀਅਤ, ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਹਰ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ ਚਰਚਾ। ਦੇਖਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ ਸਾਡਾ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ .com ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ।